हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 8 अप्रैल, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं फिर आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वेट लिफ्टर हैज़ बिन बैंड फॉर डोपिंग वायलेशन फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स। तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इन पर बैन लगा दिया गया। सो कौन सी कंट्रीज़ के वेट लिफ्टर्स हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो थाईलैंड एंड मलेशिया के जो वेट लिफ्टर्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया फॉर डोपिंग वायलेशन। थाईलैंड की मेंबरशिप पे 3 साल का बैन लग गया, ओके, यानी कि उनके वेट लिफ्टर्स पे। एंड मलेशिया पे 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, 1 साल का बैन लगा दिया गया। अब डोपिंग वायलेशन क्या होता है, जब एक टेस्ट होता है इसमें देखा जाता है कि कहीं जो प्लेयर्स हैं वो कुछ स्टीरॉयड्स या फिर कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेटर करने के लिए, ओके। सो इस तरीके का टेस्ट होता है एंड इस टेस्ट में ये फेल हो गए इन कंट्रीज़ के वेट लिफ्टर। सो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स अब नेक्स्ट ईयर होने वाले, ओके, पोस्टपोन कर दिया गया थे ड्यू टू COVID-19। सो याद रखिएगा कंट्रीज़ आर थाईलैंड एंड मलेशिया। इन कंट्रीज़ के बारे में जो बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, दोनों कंट्रीज़ की यहाँ डिटेल में है, आप यहाँ से देख सकते हो। एंड अबाउट टोक्यो ओलंपिक्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना, हमारे इंडियन एथलीट्स को इनक्रेज करने के लिए जो गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हमारे BCCI के 39th प्रेजिडेंट सौरव गांगुली, वो ज़रूर याद रखिएगा। अब टोक्यो ओलंपिक्स अब नेक्स्ट ईयर होंगे, ओके। तो ये बेसिक डिटेल्स अबाउट द कंट्री याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली वी सेफ टनल इंस्टॉल्ड इन विच इंडियन स्टेट टू सैनिटाइज पीपल। सो इसे कौन सी इंडियन स्टेट में सैनिटाइज करने के लिए लोगों को, लाइक एक देखो इस तरीके का इनिशिएटिव है एंड इस तरीके के टनल है, इसमें से अराउंड आपको 20 सेकेंड्स लगेंगे इसको क्रॉस करने में। कोई भी माइक्रोब्स होंगे, कोई भी जर्म्स होंगे, ये आपको सैनिटाइज कर देगा। वी सेफ टनल, सो कौन सी इंडियन स्टेट में इसे इंस्टॉल करवाया गया, द स्टेट इज ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना, ओके। तो याद रखिएगा इस स्टेट का नाम, इंपॉर्टेंट है वी सेफ टनल। बाकी डिटेल्स जो बेसिक कंट्री लाइक स्टेट के बारे में, 2020 एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्जर्व कर रहा है तेलंगाना, कैपिटल हैदराबाद, CMK चंद्रशेखर राव, गवर्नर तमिलसाई, साउंडर रंजन, इसकी फाउंडेशन डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 June 2014, ओके। तो ये बेसिक डिटेल्स एंड रेड कलर का पोर्शन है जो हमारा तेलंगाना, ओके। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ NESCOM, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन बनाए गए, न्यू इन्फोसिस के CEO UB प्रवीण राव इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। किसे सक्सीड करेंगे, केशव मुरुगेश, ओके। इसका नाम याद रखिएगा, इनका नाम याद रखना, इनकी पिक्चर भी आपके सामने है। एंड वाइस प्रेजिडेंट भी बनाया गया, वाइस प्रेजिडेंट का नाम याद रखना, Rekha M. Menon, ओके। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करूँ, अजय त्यागी, आई होप आप सबको पता है, SEBI के चेयरमैन है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड मधबी पूरी बच, इन्हें लाइक फुल टाइम मेंबर, जो ये फर्स्ट वुमेन फुल टाइम मेंबर है SEBI की, एंड इनको 6 महीने का यानी कि 6 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया गया टिल 4 अक्टूबर 2020। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, UB प्रवीण राव, ओके। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करते रहिए। एंड आज की वीडियो का भी हमारा लाइक टारगेट रहेगा 2000 लाइक्स। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। एंड अगर आज पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का नीचे बटन रेड सब्सक्राइब का होता है, एंड उसके साथ उसको क्लिक करना है बेल आइकन को, ताकि अब तक मॉर्निंग में जैसे वीडियो अपलोड उसके नोटिफिकेशन ऑन टाइम पहुंच जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, इतना आपने जरूर करना है हमारे लिए, हमारे मुझे काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। सो इतना आप, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इसको जितना हो सके शेयर जरूर करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पास्ड अवे ड्यू टू COVID-19। इस देश के प्रधानमंत्री, इनका निधन हो गया, डेथ होगी कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की वजह से। सो करेक्ट आंसर इज लेबिया। इनका नाम क्या था, मोहम्मद जबरेल, ओके। राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही है, इस वजह से UK के प्राइम मिनिस्टर भी इस वजह से लाइक इन्फेक्टेड हैं, एंड कुछ कंडीशन थोड़ी उनकी हेल्थ भी ख़राब हो गई, ICU में शिफ्ट किए गए, ओके। सो इनका नाम याद रखना, मोहम्मद जबरेल। बाकी अबाउट द कंट्री, त्रिपोली कैपिटल है, करेंसी लिबियन दिनार, एंड प्राइम मिनिस्टर इज फियज अल सराज, ओके। ये इनकी पिक्चर भी है, लिबिया। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज, बाय मच हाउ मच परसेंट सैलरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट एंड PM
विल बी कट फॉर द नेक्स्ट वन ईयर. ओके, सो कितने प्रतिशत सैलरी डिडक्ट की जाएगी? यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया एंड ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954. 30% सैलरीज इसमें अब डिडक्शन किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट वन ईयर. ये सारा अमाउंट ये कोविड 19 के साथ फाइट करने के लिए लगेगा. स्टेट, हर स्टेट के गवर्नर, बाकी प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट एंड ऑल अदर्स जो भी मेंबर्स हैं उनकी सैलरी में 30% उनको कम दिया जाएगा. एंड ये सारा अमाउंट यूज़ होगा कोरोना वायरस से फाइट लड़ने के लिए. ओके, सो कितने परसेंट? 30% याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन माइक्रो इरिगेशन कवरेज अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920. तो कौन सी स्टेट ने इसने इस रिपोर्ट में टॉप किया एंड ये स्कीम, ये योजना लॉन्च की गई थी अवर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ऑन 1 जुलाई 2015. सो कौन से स्टेट ने टॉप किया जी? द स्टेट इज तमिलनाडु. ओके, याद रखिएगा तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड गुजरात. ये कुछ डिटेल्स भी आप यहाँ देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग IIT ब्रांचेस हैज डेवलप्ड लो कॉस्ट वेंटिलेटर प्राणवायु. प्राणवायु उस वेंटिलेटर का नाम दिया गया एंड इसको बनाने में सिर्फ 25,000 रुपये लगेंगे. ओके, सो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एंड राइट नाउ वेंटिलेटर्स की हमारी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अगर कोरोना वायरस बढ़ जाते हैं. ओके, सो कौन सी IIT ने बनाया? ठीक है, विद द कोलैबोरेशन विद एम्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज IIT रुड़की. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एम्स ऋषिकेश के साथ मिलके IIT रुड़की. ये IIT रुड़की कहाँ पे? ये जी उत्तराखंड में. ओके, तो इन दोनों ने आपस में मिलके लाइक ये लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया जिसका नाम रखा गया प्राणा वायु. ओके, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ IIT रुड़की हैं अजीत के चतुर्वेदी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मर क्रिकेटर जॉक एडवर्ड्स पास्ड अवे. ओके, रिसेंटली. तो अब आपको ये बताना है कि ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे जॉक एडवर्ड्स. तो ये खेलते थे जी न्यूजीलैंड के. ओके, विकेट कीपर बैट्समैन थे, इनकी डेथ हो गई, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग डोर स्टेप फैसिलिटीज़ टू देयर कस्टमर्स. सो डोर स्टेप फैसिलिटीज़ इससे पहले लाइक ये डोर स्टेप फैसिलिटीज़ सीनियर सिटीजन्स के लिए स्टार्ट की थी इस बैंक ने, बट यू नो कि राइट नाउ कोविड 19 की वजह से गैदरिंग ना हो कस्टमर्स की, इस वजह से इस बैंक ने डोर स्टेप फैसिलिटीज़ सबके लिए स्टार्ट किया. ओके, बस आपके लाइक रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका KYC रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि नो योर कस्टमर, आपकी सारी वेरिफिकेशन ओके होनी चाहिए, देन आपको डोर स्टेप फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी. ओके, आपको कोई चेक लगाना है या फिर कोई कैश लेना है, जो भी है, आप फ़ोन कर सकते हो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से, आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी. ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको ये प्रोवाइड करेगा. ओके, बाकी व्हाट्सएप सर्विसेज अभी स्टार्ट की थी ICICI बैंक ने, ये भी आपको याद रखना है. विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू यूज जियो फेंसिंग टू ट्रैक क्वारंटाइन वॉलेटर्स. ओके, जियो फेंसिंग इस ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें जो भी क्वारंटाइन किए गए हैं, जो भी पेशेंट्स, जो भी निगरानी में रखेंगे, अगर कोई भी वॉलेट करता है, भाग जाता है, तो उनकी लोकेशन को ट्रैक करेगा SMS एंड ईमेल की हेल्प से, ताकि अथॉरिटीज़ उन तक पहुंच पाएँ एंड उनको फिर से क्वारंटीन कर पाएँ. ओके, सो इससे कौन सा स्टेट फर्स्ट टाइम यूज़ करे, लाइक फर्स्ट बना यूज़ करने वाला? केरल. ओके, फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस भी केरल में ही आया था. ओके, याद रखिएगा. ओके, ये क्वेश्चन मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ एंड कुछ मिस्टेक था कल के क्वेश्चन में, और ये आपको याद रखना. ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज ऑब्जर्व. ओके, बाय मिस्टेक 5 अप्रैल मैंने आपके साथ इसको शेयर किया था, बट आपको ये करेक्ट कर लेना है. ओके, सो इसको हर साल ऑब्जर्व करते हैं 6 अप्रैल को, तो ये करेक्शन आप ज़रूर कर लीजिएगा कल के अगर वीडियोज़ में अगर आपने नोट डाउन किया गई, तो 6 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर होगा. ओके, थीम जो रखा गया, बी एक्टिव एंड हेल्दी टू बीट COVID-19. सो डेट्स ऑल. अब आ गया जी आपकी बारी, अब आपने बताना है मुझे ये क्वेश्चन आपके लिए, ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व. नॉट ओनली दिस, WHO के बारे में बताना है, डायरेक्टर जनरल का नाम बताना है एंड कब से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड थीम क्या रखा गया फॉर दिस ईयर 2020, ये आप लोगों का काम आज का. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में. उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है. थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे. बी सेफ, बी अलर्ट.